अलग बीटी एक फन हिप हॉप ट्रैक है और बहुत ही प्यारा गाना बनाया है, और इसमें हिट जोन है जो बहुत ही टैलेंटेड और बहुत क्रेजी रैपर है मुंबई का, और साथ में सैज है। सैज ऑन द बीट को कौन नहीं जानता है हिप हॉप की दुनिया में, इज़ लाइक अ बिगेस्ट प्रोड्यूसर, और वॉर्नर म्यूजिक इंडिया रिलीज़ कर रहा है गाने को, तो सारी चीज़ें हैं उसमें जो एक इंसान को एक्साइटेड करे और ऑडियंस भी बहुत एक्साइटेड है। और आई एम सो हैप्पी कि प्रोडक्ट इतना प्यारा है और इतना बेहतरीन बना है कि जब वो रिलीज़ होगा, अभी 4 बजे रिलीज़ है, और जब वो रिलीज़ होगा, जब ये इंटरव्यू जाएगा आई थिंक तब तक रिलीज़ हो चुका होगा, तो ये गाना लोगों को इतना पसंद आएगा और लोग ही उसके बारे में बात करेंगे, तो अलग बीटी एक अलग ही बीटी देने वाला है लोगों को। मैं लोग बताए थे कि भाई ये चश्मे वाला पठान का सवाल पूछेगा। पठान ने कहीं ना कहीं मुझे भी गलत साबित कर दिया, गलत साबित इस टर्म्स में किया कि मैं खुद सोचता था कि अभी थोड़ी पिक्चर है, जब थिएटर में लोग नहीं जाते तो मैं सोचता था कि यार ये कोविड ने ना लोगों को आलसी कर दिया है, कोविड ने लोगों को अभी मोबाइल पे ही सब कुछ देखने की आदत डाल दी है, तो अभी सिनेमा में कोई नहीं जाएगा। बट वो चीज़ चेंज हो गई कि भाई मूवी इतनी तगड़ी बना दो, और शाहरुख खान की फैंडम ही वो है कि लोगों को जाना ही है देखने, और पिक्चर मैंने देखा, पिक्चर अच्छी लगी, और लास्ट वाला जय हिंद तो मतलब सीटियाँ ही तालियाँ, सीटियाँ और पैसे उड़ रहे भाई, तो इतनी अच्छी मूवी बनाए और इंडिया में इस तरह का एक्शन मूवी बन रही है कि हम जब बॉलीवुड की मूवीज़ को देखते हैं ये सब चीज़ें तो हम बोलते हैं यार इंडिया में ऐसी पिक्चर नहीं बनती, बट हम आ चुके हैं, इंडिया आ चुका है। कुछ नहीं हुआ भाई, हम लोग बर्थडे के दिन काम ही किए पूरी जिंदगी, अभी थोड़े पैसे आ गए तो अभी थोड़ा पार्टी वार्टी वाले सीन होते हैं, बट पार्टी अभी भी नहीं हो रही है मेरे दोनों दिन, आप लोगों को पता है कैसे शेड्यूल है, तो बस यही है गाने के प्रमोशन को लेके ही, बर्थडे और बर्थडे के बाद वाला दिन भी, तो इसी तरह प्रमोशन में ही बिजी हूँ, तो कोई पार्टी तो नहीं कर रहा हूँ। डोंगरी में शूट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और डोंगरी नहीं, आप कहीं पे भी अगर बिजिएस्ट स्ट्रीट मुंबई में अगर शूट करोगे तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, अगर आप व्लॉग वगैरह ठीक है, बट आप जब 30-40 लोग की टीम जब शूट करते हो सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट ये बॉम्बे है यार, बॉम्बे पुलिस को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि हम कभी भी आर्टिस्ट लोग को बॉम्बे में जो सेवाएँ मिलती है, जो सपोर्ट मिलता है, तो बहुत ही अच्छे से उन्होंने वो चीज़ हैंडल करी, प्लस डोंगरी की जो टीम थी, और प्लस डोंगरी के जो लोग थे इतने सही प्यारे लोग हैं कि वो लोग एज अ टीम काम कर रहे थे हमारे साथ, वो लोग शूटिंग देखने आए थे बट उनको पता है कि हमें शूट नहीं करना है, तो वो अपने मोबाइल से शूट नहीं कर रहे, और कोई शूट कर रहा तो उनको रोक रहे, तो हम लोग 30-40 लोग गए थे, लेकिन पूरा दिन शूट करते करते हम लोग की 200-300 लोगों की टीम हो चुकी थी कि खुद ही बाइक को रोक देते थे कि भाई शूटिंग चालू है, तो बहुत ही फन था, और बहुत सारा प्यार है डोंगरी से मुझे, तो मुझे उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया शूट में। बस ये दुआ है, ये दुआ है और हार्डवर्क है, और मैं वही सब चीज़ों को सोचता हूँ कि भाई हर इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल है, तो मैं कभी कभी बहुत खुश होता हूँ जब कोई मेरे गाने का कोई लाइन अपनी स्टोरी में डालता है, जब वो नई स्प्लेंडर खरीदता है, तो वो स्प्लेंडर खरीदता है और गाना यूज़ करता है, तो मैं वो देखता हूँ कि ओके मैंने तो बहुत अचीव करने पे ये लाइन लिखी थी, बट इन्होंने एक स्प्लेंडर खरीदने पे लिखी है, तो उसके लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो हर इंसान का जो लाइफ है उनमें स्ट्रगल है, और वो कुछ भी अपनी लाइफ में बेहतर ही कर रहा है, तो मुझे ये चीज़ काफ़ी मोटिवेट करती है कि जो आपको मिला है, जितना प्यार मिल रहा है लोगों का, तो आपको वो वापस देना है लोगों को, वो फिर आप एंटरटेनमेंट के रूप में दो या आपको अच्छी बात के रूप में दो, तो मेरा बस वही पर्पस है कि मैं लोगों को जो मुझे इतना प्यार मिल रहा है मैं अपने एंटरटेनमेंट से उनको शायद पहुंचा पाऊं। सब्सक्राइब टू मिडडे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।